me, gods. Huh? Follow me. Mom! अब समझ में आया कि फैक्ट्री में एक साथ इतना हंगामा कैसे हो गया? रजनी जानबूझ के फैक्ट्री में घुसी ताकि हम सबसे बदला ले सके उसे घर से बाहर निकालने का. Am I right? आप लोगों के बीच में आप लोगों के प्रॉब्लम्स जानने के लिए. एनीवे अब सब कुछ ठीक हो गया है, काफी टाइम वेस्ट हो गया है, तो अपने अपने काम पे लग जाओ. ऑलराइट, गुड बाय मम्मी जी. लेकिन उससे पहले इन्हें इनका हक दिलवाइए. नो, इतनी जल्दी भी क्या है रजनी? इन सब लोगों ने हमारे खिलाफ नारेबाजी करके हमारा दिल दुखाया है. अब इन्हें हमसे माफी मांगनी पड़ेगी, तभी हम इन्हें काम पे वापस लेंगे. ओके? इट्स ओके, जल्दी नहीं है. आराम से सोचो, हम तब तक अंदर जाते हैं. ऑलराइट? Come on, मम्मी जी, मम्मी जी. ओ मैगी भाभी, ये सर पे रखने के लिए होता है. सॉरी सॉरी, ले पानी पी, पानी पी ले. रिलैक्स 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 कीजिए. इस रजनी का प्रॉब्लम क्या है? घर के अंदर थी तब भी हमारे लिए आफत बनी थी, घर के बाहर चली गई है तब भी आफत है. जैसा बोगे वैसा काटोगे. ना तू उसको घर से निकालती, ना तेरी ये हालत होती. मत दे घूर के, ना दे. सच बोल रहा हूँ और सच कड़वाई होता है. तुमसे तो हम बाद में बात करेंगे अमरीश, लेकिन अभी भी बाजी हमारे हाथों से गई नहीं. ओके, हमने बाहर जो तीर मारा है ना, उसकी वजह से सारे वर्कर्स रजनी के खिलाफ हो जाएंगे. बस उस पर नजर रखना. ओह यस, ऑफ कोर्स मॉम. शान, तुझे पता था वो रजनी है तो बताया क्यों नहीं? शान तो सिर्फ कहने के लिए मम्मी जी के साथ है, असल में किसके साथ है हम सबको पता है. मैंने क्या किया? और तुम लोग बेकार की बहस क्यों कर रहे हो? मॉम की तबीयत ठीक नहीं है अभी. ये बेकार की बहस नहीं है शान, हमें जवाब चाहिए. बताओ तुम किसके साथ हो? बताओ तुम किसके साथ हो? बताओ. मैगी, मैगी, यार बेवकूफों की फौज पाल रखी है मैंने. अब हम यहाँ से तभी उठेंगे
जब हमारी मांगे पूरी हों। हाँ, आप भले इस घर की बहू हो, लेकिन आज आप हमारे भले के लिए अपने घर वालों के खिलाफ हमारे साथ खड़ी हो। हाँ, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू। तो फिर भूख हड़ताल जारी रहेगी। हाँ, भूखे हैं पर टूटे नहीं, 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 भूखे हैं पर टूटे नहीं। आपके तीर का तो तंबू बना दिया इन्होंने। मम्मी जी, आपने इन्हें और साथ में कर दिया। जाने जैसे अर्जुन को वरदान था कि उसके तरकश में से बाण कभी खत्म नहीं होंगे, वैसे हमारे दिमाग के तरकश में से आइडियाज कभी खत्म नहीं होंगे। ये मैडम मैडम करने का नाटक बंद कर दोगे, सीधा पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट? ये पॉइंट ढूंढने लगे। हमारे कहने का मतलब ये था कि सीधा मुद्दे पे आते हैं। बताइए। हम इन सारी औरतों को वापस काम पे रखने के लिए तैयार हैं। सिर्फ सबको फिर से काम पर रखना ही नहीं, बल्कि सबको बेटर वर्किंग आवर्स, छुट्टी और दिवाली बोनस भी देना होगा। दैट्स ओके, ये कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। इनफैक्ट हमने सोचा है कि हम तुम्हें घर में भी वापस लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, आखिरकार जीत सच्चाई की ही हुई। राजन, तुम्हारे मन में जीत का लड्डू फूटे उसके पहले हमारी शर्त सुन लो। बताइए। हमारी शर्त ये है कि सारी औरतें 2 दिनों में 1000 साड़ीज बना के हमें देंगे। That's it? ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। हमें बता दो तुम यही कहोगे। हमारी बात पूरी होने दो। ये सारी औरतें 2 दिनों में हमें 1000 साड़ीज बना के देंगी, लेकिन हमारा मशीन, सुई धागा और कपड़ा यूज किए बगैर। ये सारी चीजें तुम्हें मैनेज करनी पड़ेगी। ओके, कम ऑन, एक्सेप्टेड। हाँ जी, कौन? मैं रजनीकांत बोल रही हूँ, कांत परिवार की बहू। हाँ जी, बोलिए। मैंने आपको एक सामान की लिस्ट ईमेल की है, हमें वो सारा सामान अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। क्या आप वो सारा सामान भिजवा सकती है? हाँ, एक मिनट। हाँ जी, मिल जाएगा। आप 30 लाख रुपए भेज दीजिए, मैं आज ही भेज देती हूँ। 30 लाख रुपए हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो 20 लाख भेज दीजिए, बाकी का पेमेंट 10 दिन के बाद कर दीजिएगा। 20 लाख तो क्या, हमारे पास 20,000 रुपए भी नहीं है। क्या आप वो सारा सामान हमें उधार दे सकती है? उधार नहीं मिलेगा मैडम, फैक्ट्री के मालिक का हुक्म है, पैसे अरेंज कीजिए फिर कॉल कीजिए। ओके, सामान के लिए 30 लाख रुपए जुटाने होंगे। अरे, इतने पैसे होते तो हम नौकरी क्यों करते? तो इतने पैसे आएंगे कहां से? मैं भावना, मुझे हमेशा से अकेली सोने में बड़ा डर लगता था। और जिंदगी का सबसे बड़ा डर अकेले सोने में नहीं, अकेले होने में है। जीवन साथी के जाने के बाद क्या मुमकिन है जीवन की नई शुरुआत? धीरे धीरे से
12 दिसंबर से रात 9:30 बजे स्टार भारत पर।